मोहम्मद इदरीस साहब एक बुज़ुर्ग हज़रत अली हजवेरी की कब्र पर तशरीफ़ लाए, खिलाफ़ शरीयत कब्र पर चिल्ला कशी की और कब्र की पूजा पाठ करके जाते जाते शिरकिया शेर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा कह गए। हुकूमत के कारिंदों ने इस शेर को लाहौर के दरमियान अली हजवेरी की तहरीर बहुत बड़ा करके लिख दिया है, कब्र पर बहुत बड़ा करके लिख दिया है, जहाँ पर सरेआम शिर्क हो रहा है मगर फिर भी लोग उन बुज़ुर्ग को रहमतुल्लाह अलैह कह के पुकारते हैं। आप भी उन बुज़ुर्गों के करतूतों के मुतालिक लोगों को बताने को तैयार नहीं है, वजह बयान करें, शुक्रिया। मोहम्मद इदरीस साहब, वाच मेकर, टेम्पल रोड। देखिए, असल में एक मसला ये है कि आया अरवाह के ज़रिए से कोई फैज़ रूहानी हासिल किया जा सकता है या नहीं, ये एक इल्मी मसला है। अरवाह के वजूद से तो इनकार कोई नहीं कर सकता। अब हुजूर ने अभी हमने जिक्र किया, बैतुल मक़दस जब शब मेराज में गए थे तो बैतुल मक़दस में तमाम अम्बिया को नमाज पढ़ाई, वो क्या थे, वो अम्बिया की अरवाह थी ना। तो अरवाह जो है वो तो दर हकीकत या शाह वलीउल्लाह देहलवी कहते हैं, वो तो बड़े मुवाहिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस हैं, और वो कहते हैं कि कुछ नेक बंदों की जो अरवाह होती हैं उनको अल्लाह ताला उनके इंतकाल के बाद फरिश्तों में शामिल कर देता है। तो जैसे अल्लाह ताला के अहकाम की तनफीज़ फरिश्ते करते हैं, ऐसे वो भी करते हैं। अब ये है इल्मी बातें। तो आया किसी की रूह से कोई फैज़ हासिल किया जा सकता है या नहीं, ये वो है जो हमारे यहाँ इख्तलाफी मसला है। एक ये है कि किसी की रूह को पुकार कर उससे मदद मांगी जाए, ये है जली शिर्क, आपको इसकी इजाज़त नहीं है। वला तदउ मअल्लाह अहदा, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकार सकते। हालांकि हमें मालूम है फरिश्ते तो हैं ना, दो फरिश्ते तो मेरे साथ हर वक्त मौजूद हैं। अब जाहिर बात है कि मैं उनसे ये नहीं कह सकता मेरा ये काम कर दो या तुम मेरी ये मुश्किल रफा कर दो, ये मैं कहूँगा तो ये शिर्क हो जाएगा। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को भेजकर मेरी जरूरत पूरी कर दे, किसी इंसान फौतशुदा की रूह को भेजकर मेरा काम उससे करवा दे, या किसी जरिए के बगैर अस खुद कर दे, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन मुझे पुकारने की इजाजत नहीं है। दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। अलबत्ता यह है कि आया किसी की रूह, अब जैसे कि कुरान में आया है इसी बैतुल मक़दिस के बारे में, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके माहौल को हमने मुबारक किया है। अब किस लिए मुबारक हो गया, जैसे और ज़मीन दुनिया की होती है ऐसी ज़मीन जो है वो वहाँ बैतुल मक़दिस के इलाके की ज़मीन भी है। मुबारकना हौलहू से मुराद क्या, ज़रखेज़ी है अगर तो उससे कहीं ज़्यादा ज़रखेज़ खित्ते दुनिया के अंदर मौजूद है। आज आप जाइए और अपना अपने मुल्क के अंदर ही अगर आप मर्दान वगैरह के इलाके को देखें तो क्या आखिर वाकई ये कि इंसान खुश हो जाता है देख कर किस कदर ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, क्या हरियावल है। तो वो तो उस तरह की हरियावल जो है वो तो बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, लेकिन यही बात कही गई है कि चूंकि ये बेशुमार अम्बिया का मदफन है, यहाँ पर दफन है बेशुमार नबी अल्लाह के, हज़रत इब्राहिम से लेकर शुरू होकर और फिर सारे अम्बिया जो थे बनी इसराइल के जो आए हैं सब किसे वहीं तो मदफून है ना। इसलिए ये कि उनकी वजह से उस माहौल को कहा गया वो बड़ा बाबरकत माहौल है। इस हवाले से कोई एक इख्तलाफी बात हो सकती, इसे खुल्लम खुल्ला शिर्क नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कि इसमें आप इख्तलाफ करें कि इसमें कोई चिल्ला कशी करना, चिल्ला कशी किसे कहते हैं, यानी उस कब्र के करीब जाकर इबादत करना, इबादत अल्लाह की होगी। अब आपको मालूम है कि आप हरम में जाकर नमाज पढ़ते हैं 1000 नमाजों का सवाब आपको मिल जाता, नमाज तो आप अल्लाह की पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन उस जगह की मुनासबत से उसके कोई ख़ास कैफियत है जिसके लिए कि हमारे पास हदीस मौजूद है। मस्जिद नबवी में जाकर नमाज पढ़ते हैं तो 50,000 नमाजों का सवाब मिल जाता है, मस्जिद अक्सा में 25,000 नमाजों का सवाब मिल जाए। तो ये जगह के हवाले से कोई चीज़ के अंदर फ़र्क हो जाना, जैसे औकात में भी फ़र्क होता है, लैलतुल कद्र ये भी तो एक रात ही है ना जैसी और रातें होती हैं, लेकिन उसकी एक कदर व कीमत है, उसके एक अजर व सवाब का मामला जो है वो आम रातों की तरह नहीं है। इसी तरह का मामला हो जाता, इस हद तक मामले को रखें और उससे आगे फतवाबाजी न करें तो मुनासिब है। बाकी अपने ज़ौक के मुताबिक आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके ऊपर इस तरह के सख्त फतवे न लगाइए, अपने दिल को कुशादा रखिए।